नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल माही टेंपल ट्रिप्स पे। दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलूंगा श्री कोथंडा रामा स्वामी टेंपल, जो कि रामेश्वरम में स्थित है। रामेश्वरम वैसे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और भव्य श्री रामानाथ स्वामी मंदिर के लिए जाना जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है और हिंदुओं के लिए प्रमुख धार्मिक स्थल है। रामेश्वरम हमारे काव्य रामायण से काफी संबंध रखता है। भगवान श्री राम लंका जाने से पहले यहीं ठहरे थे और यहीं से उनकी सेना ने श्रीलंका की तरफ राम सेतु बनाया था। सो राम सेतु की शुरुआत इसी जगह से हुई, इसीलिए हमको यहाँ पर रामायण से संबंधित कई निशान मिलते हैं और उसी से संबंधित है श्री कोथंडा रामा स्वामी टेम्पल। अगर आपको रामायण की कहानी याद है तो आपको ये पता होगा कि विभीषण, जो रावण के छोटे भाई थे, उन्होंने रावण का विरोध किया था और कहा था कि माँ सीता को आदर सहित वापस लौटा दे, पर रावण ने तो उनकी बात नहीं मानी थी और उसने विभीषण को लंका से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद विभीषण भगवान राम की शरण में आ गए थे। कहते हैं कि जहां पे ये मंदिर बना है, ये वही जगह है जहां पर विभीषण श्री राम जी से मिले थे और तभी इस मंदिर में भगवान राम, मां सीता, लक्ष्मण और विभीषण की मूर्तियां हैं और शायद दुनिया का इकलौता मंदिर है ये जहां विभीषण की मूर्त है। ये टेम्पल दोस्तों समुद्र के बीचों बीच टापू पे बना हुआ है और चारों ओर पानी से घिरा है और इस टापू तक पहुंचने की जो सुंदर सड़क है, उस पर जो ड्राइव है, वो अपने आप में काफी खूबसूरत लगती है। इस टापू और इस मंदिर के बारे में खास बात और है। कहते हैं कि 1964 में जो सुनामी आई थी और उस समय धनुषकोड़ी गांव, जो यहां से थोड़ी सी दूरी पे ही है, पूरा पानी में डूब गया था, पर इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये मंदिर ज्यों का त्यों बना रहा। मंदिर के सामने ही समुद्र में करीब 5 से 10 फीट अंदर एक शिवलिंग है और वहां पर लोग जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाने की परंपरा है, और वहां हमने देखा कि लोग समुद्र के पानी से ही जलाभिषेक करते हैं भगवान शिव का। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है रामेश्वरम में, और अगर आप रामेश्वरम की यात्रा पे हैं तो इस मंदिर के दर्शन करना ना भूलें। एक्चुअली जो रामेश्वरम जाता है वो धनुषकोड़ी भी जाता है, और धनुषकोड़ी जाते समय आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ये मंदिर आपको दिखाई देगा। सो ये मंदिर करीब 16 किलोमीटर दूर है रामेश्वरम सिटी सेंटर से और धनुषकोड़ी से लगभग 8 से 9 किलोमीटर पहले पड़ता है। रास्ता बिल्कुल सीधा है, पार्किंग की कोई समस्या नहीं है, ड्राइव शानदार है और मंदिर के बाहर नारियल पानी और कई छोटी मोटी दुकानें हैं जहां आपको चाय, नाश्ता, बिस्कुट आदि मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप रामेश्वर की यात्रा पे हैं तो ये मंदिर आपके आइटनरी में होना ही चाहिए। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में ऐसी कुछ अन्य जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।